HDMI Link 8300 जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है आपके एंड्रॉयड 5.0 iOS 8.0 एंड उससे अबाव जो भी जितने भी हैं एप्पल के। इवन इसमें आप एंड्रॉयड कोई सा भी एंड्रॉयड लगा सकते हो और कोई सा भी iOS, इवन दो सी टाइप केबल भी आप इसमें लगा सकते हो। क्या काम में ये आता है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यूनिवर्सल 3-in-1 HDMI रॉड पर केबल है ये, जो कि कई बार हम लोग अपने मोबाइल पर पबजी खेलते हैं और पबजी खेलने के साथ साथ में हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रीम हो कंप्यूटर के थ्रू, हमारा ब्रॉडकास्टिंग जो भी हमारा पबजी हो यूट्यूब पर हम अगर स्ट्रीम कर रहे हैं तो वो हमारा कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि अगर हम मोबाइल पर रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल पर ही हम लोग साथ में स्ट्रीम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लैग करता है गेम, तो लैग नहीं हो इसलिए कंप्यूटर के थ्रू स्ट्रीम होगा तो ये उसके लिए काम में आता है। चलिए हम दिखाते हैं इसके बैक में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये बता रहा है यहाँ पे सी टाइप केबल लगाई जा सकती है और क्या क्या चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती है ये यहाँ पे भी इसने मेंशन किया। आप देखोगे तो इसकी लेंथ 2.0 mm है, मतलब 2 मीटर लंबी केबल ये है और टाइप सी भी लगा सकते हैं, एप्पल भी लगा सकते हैं, माइक्रो यूएसबी भी लगा सकते हैं, इवन दो हर चीज़ इसमें लग सकती है। चलिए ओपनिंग करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं तो कैसी ये केबल है। तो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी चिपका हुआ है। तो इसमें हमको देखने को मिलती है स्ट्रीमिंग केबल जो कि हम यूट्यूब के लिए काम में लेंगे, जनरली यूट्यूब के काम में आती है, मैं भी यूट्यूब पे स्ट्रीम करता हूँ इसलिए मैंने ही परचेज करी है। सो यहाँ पे जूक कंपनी का ये है, HDMI आपको जनरली HDMI से अच्छी क्वालिटी आउटपुट जाती है इसलिए HDMI का ये दिया गया है। यहाँ पे सी टाइप केबल दी गई है, साथ में यहाँ पे माइक्रो USB दी गई है और यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट दी गई है जो कि एप्पल की यूज़ में आती है। हमको कुछ नहीं करना, अगर हम लोगों को आईफोन में ये लगानी है तो हम आईफोन में ये केबल लगाएंगे, साथ ही में जो मेन केबल है वो हमेशा ये रहेगी तो ये इसके पीछे जैक में इस तरीके से सेट हो जाएगी। अब ये तैयार है हमारे आईफोन में लगाने के लिए, तो चलिए इसके वर्किंग हम लोग देखते हैं। ये देखो मैं यहाँ खेल रहा हूँ पबजी जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है, उसी स्पीड से देखो आप मोबाइल पे भी स्ट्रीम हो रहा है। आप देखो OBS के थ्रू मैंने इसको सेटअप कर लिया है और कैप्चर कार्ड मेरे लगा हुआ है उसके थ्रू ये पूरा काम करता है। तो हमको एक कैप्चर कार्ड एक्स्ट्रा लेना होता है वो हम खरीद सकते हैं बाजार से जहाँ से हम लोग चाहें। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है और ये इसका सेटअप है गाइज, लाइक आप देख रहे होंगे मैंने आपको बताया था मोबाइल से केबल करें कैसा लगा ये वीडियो आपको बताने के लिए। हम इसे बोलते हैं जो कि डायनमो हुआ या मोटल हुआ, जो उन लोगों ने जो सेटअप कर रखा है वही सेटअप हमने यहाँ पे पूरा किया हुआ है और वही कैपेबिलिटी के साथ में हम यहाँ से हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, हेडफोन से हम सुन सकते हैं आवाज़ और हम गेम प्ले भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है और बहुत सारी सेटिंग्स हमको इसमें मिलती है। जैसे कि आप पास आए तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं रेजोल्यूशन, क्या रेजोल्यूशन आपको लेना है, HD लेना है या उससे लोअर क्वालिटी आपको लेना है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें सेट की जा सकती है। जैसे जो भी आपको बेटर लगता है कि ये रेजोल्यूशन बहुत बेस्ट है वो रेजोल्यूशन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस चैनली सब कुछ सेटअप्ड है और बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है और जो कि कैप्चर कार्ड मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ब्लैक कलर का वो रहा जो साइड में दिखा रखा है मैंने ब्लैक कलर का, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और वो वीडियो आप लिंक में जाके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख लो और इसकी भी अनबॉक्सिंग आप देखो। सो थैंक यू सो मच गाइस।